चीन में कोरोना का बुरा हाल है। जिस चीन से दुनिया में कोरोना पहुंचा, आज वो खुद परेशान है। इससे बुरा ये है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए चीन जो तानाशाही कदम उठा रहा है, अब लोग उससे उकता सा गए हैं। चीन के सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिनमें चीनी प्रशासन की तानाशाही रवैये से लोग तिलमिला उठे हैं। यहाँ तक कि कोरोना पॉजिटिव बच्चों को उसके माँ बाप से भी अलग कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे शंघाई शहर को एक तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। शंघाई की 2.6 करोड़ जनता से कहा गया है कि फौरन कोरोना का सेल्फ टेस्ट करें और इसकी तुरंत रिपोर्ट अधिकारियों से करें। अब तक कोरोना के 2 राउंड टेस्ट हो गए हैं, लेकिन चीनी अधिकारी इससे खुश नहीं हैं। चीन के लोगों में अब इस कार्रवाई के प्रति गुस्सा फूटने लगा है, जिसका प्रदर्शन वो यहाँ के सोशल मीडिया पर करने लगे हैं। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि शंघाई के लोगों को रविवार को एंटीजन किट से सेल्फ टेस्ट करना चाहिए और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो इसकी सूचना सरकारी अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा सोमवार को शंघाई के सभी निवासियों का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से कोरोना की जांच की जाएगी। शंघाई म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन के इंस्पेक्टर वू क्यान्यू ने बताया है, हमारा मुख्य उद्देश्य ट्रांसमिशन की चेन को पूरी तरह से अलग थलग करना है। इसके दम पर हम बहुत जल्द ही इस महामारी को फैलने से रोक लेंगे। 2020 के बाद सबसे ज्यादा मामले। पिछले सोमवार में पूरा शंघाई शहर लॉकडाउन में है। इसमें वहाँ के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर और वॉलेंटियर शंघाई में सभी लोगों का टेस्ट करने में जुटे हैं और ग्रोसरी सामानों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आज शंघाई में कोरोना के बिना लक्षण वाले नए मरीज 7,788 मिले हैं, जबकि लक्षण वाले मरीजों की संख्या 438 थी। चीन में कोरोना के बिना लक्षण वाले नए मरीजों की संख्या आज 11,781 थी, जबकि लक्षण वाले मरीजों की संख्या 1,506। ये फरवरी 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। लोगों के साथ जबरदस्ती। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से देखें तो चीन में कोरोना के ये मामले कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी चीन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए शंघाई में बेहद सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। इससे लोगों में गुस्सा है। कई लोग सोशल मीडिया में अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं। लोग अपने घरों से हेल्थ वर्कर को फोन कर टेस्टिंग के मामले में साफ करने की मांग कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर इसलिए अपने गुस्से का इजहार किया क्योंकि उसके पिता नेगेटिव पाए गए थे। इसके बावजूद चीनी अधिकारियों ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव घोषित कर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।